Chlorides of period 3 MCQs question 1. The oxide and chloride of an element X are separately mixed with water. The two resulting solutions have the same effect on litmus. यानी दोनों या तो एसिडिक होंगे या दोनों बेसिक होंगे. What could element X be? तो इसके लिए एलिमेंट एक्स जो है उसको देखते हैं कि क्या हो सकता है. अच्छा इन्होंने क्या बोला, ऑक्साइड एंड द क्लोराइड. तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3 और जो क्लोराइड होता है वो होता है Al2Cl6 एंड दे आर मिक्स्ड विद वाटर. Al2O3 तो पानी में डिजोल्व ही नहीं होगा तो ए ऑप्शन हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl2. कैल्शियम ऑक्साइड जब डिजोल्व करेगा पानी में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा विच इज बेसिक. कैल्शियम क्लोराइड जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट है तो इट डज नॉट हैव द सेम इफेक्ट ऑन लिटमस. ऑप्शन सी सोडियम NaO एंड NaCl. इसकी सिचुएशन बिल्कुल कैल्शियम वाली है. NaO जब पानी में डिजोल्व करेगा तो NaOH बनाएगा. NaCl जब डिजोल्व करेगा तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा कंटेनिंग Na पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस. व्हिच मींस द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. और इसका ऑक्साइड ऑफ क्लोराइड देखते हैं P2O3 या P2O5 ऑक्साइड हो गए, PCl3 या PCl5 इसके क्लोराइड हो गए. जब इनको पानी में डालोगे तो ये दोनों जो है एसिड बनाएंगे. ये बनाएंगे H3PO3 या 4 और ये बनाएंगे HCl अलॉन्ग विद दीज एसिड्स. तो बहुत एसिडिक हैं तो दोनों सॉल्यूशंस जो होंगे वो आपको जो है लिटमस पेपर पे सेम इफेक्ट देंगे. द लिटमस पेपर विल टर्न रेड बिकॉज बोथ द सॉल्यूशंस आर एसिडिक. नेक्स्ट एलिमेंट्स Y एंड Z आर बोथ इन पीरियड 3. व्हेन द क्लोराइड ऑफ Y इज एडेड टू वाटर इट रिएक्ट्स विद द सॉल्यूशन ऑफ pH. इट रिएक्ट्स एंड अ सॉल्यूशन ऑफ pH2 इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है. व्हेन द क्लोराइड ऑफ Z इज एडेड टू वाटर इट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH 7 इज प्रोड्यूस्ड. ओके. क्लोराइड ऑफ Y एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है और क्लोराइड ऑफ Z जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है. व्हिच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स दीस ऑब्जर्वेशंस. बोथ क्लोराइड हाइड्रोलाइज इन वाटर. नहीं, जो pH 7 है वो डिजोल्व हो रहा है. जो pH 2 है वो हाइड्रोलाइज हो रहा है. यस, हाइड्रोलाइज का मतलब रिएक्ट विद वाटर. तो ऑप्शन ए गलत हो गया. बी वाई इज मैग्नीशियम एंड जेड इज सोडियम. तो अगर ये दोनों पानी में जाएंगे तो दोनों जो है आपके रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा. दोनों का pH जो है वो बेसिक होगा. तो ऑप्शन बी गलत हो गया. ऑप्शन सी वाई इज फॉस्फरस एंड जेड इज एल्यूमिनियम. तो वाई अगर फॉस्फोरस है तो वो pH 2 का बना सकता है बिल्कुल, क्योंकि फॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोरस एसिड बनेगा. और एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का क्लोराइड जो है वो भी HCl प्रोड्यूस करता है. तो उसका pH 2-3 के करीब होगा, नॉट 7. तो सी गलत है. सो बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. अब ऑप्शन डी को हम लोग देखते हैं कि क्या है. क्लोराइड ऑफ वाई प्रोड्यूसेस सॉल्यूशन ऑफ pH 2. तो क्लोराइड ऑफ वाई सिलिकन, सिलिकन का क्लोराइड होता है SiCl4. ठीक है. तो SiCl4 जब पानी में डाला जाता है तो प्रोड्यूस करता है SiO2 प्लस HCl. ठीक है. HCl की वजह से जो है pH 2 होगा, करेक्ट. और Z इज सोडियम. सोडियम का क्लोराइड जब पानी में डाला जाता है तो वो डिजोल्व करता है और Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एक्वस आयंस प्रोड्यूस होते हैं. और क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट है तो pH विल स्टे एट 7. देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड आर सेपरेटली एडेड टू वाटर. ठीक है. व्हाट आर द अप्रोक्सीमेट pH वैल्यूज ऑफ दिस ऑफ द सॉल्यूशंस फॉर्म. अच्छा, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है जब उसको पानी में डालेंगे तो वो डिजोल्व करेगा, बट मैग्नीशियम के जो चार्ज डेंसिटी है थोड़ी ज्यादा है जिसकी वजह से वो पानी को स्लाइटली जो है वो आयनाइज कर देगा. तो थोड़ा सा एच पॉजिटिव रिलीज होगा जो कि क्लोराइड के कंबाइन करके HCl बनाएगा. बट दिस विल बी वेरी स्लाइटली एसिडिक. तो स्लाइटली एसिडिक का जो रेंज होता है वो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली 6-7 है. तो सी या डी में से कोई करेक्ट ऑप्शन होगा. नाउ कमिंग टू SiCl4. SiCl4 जब रिएक्ट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है SiO2 एंड HCl. HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड का रेंज जो है वो लोअर pH पे होता है. 6-7 हमने बोला था स्लाइटली एसिडिक. तो 6-7 इसमें गलत हुआ.
और 0 to 3 वाला सही हुआ. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट, एन एलिमेंट वाई रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सीक्वेंस. वाई बर्न्स एन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ वाइट सॉलिड, रिएक्ट विद HCl टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन, रिएक्ट विद NaOH टू प्रोड्यूस अ वाइट प्रेसिपिटेट, एंड रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ NaOH टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन. व्हाट कुड बी एलिमेंट वाई? ओके, तो लेट्स सी. इट बर्न्स एन ऑक्सीजन टू फॉर्म अ वाइट सॉलिड. सारे के सारे जो सॉलिड्स हैं वाइट ही होते हैं चारों के, ठीक है. इट रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. तो एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है वो HCl से रिएक्ट करता है, यस. कैल्शियम ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करता है, यस. मैग्नीशियम ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करता है, यस. फॉस्फोरस ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करता है, नो. क्योंकि फॉस्फोरस ऑक्साइड जो है वो खुद एसिड के नेचर होता है, तो एसिड से रिएक्ट करता है. बाकी सब तो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो बेसिक हैं, और एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक है. तो डी इलिमिनेट हो गया. आगे चलते हैं. अब सोल्यूशन बना, तो सोल्यूशन जो बनेगा वो क्या कंटेन करेगा? वो क्लोराइड कंटेन करेगा, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड. रिएक्ट्स विद NaOH, मैग्नीशियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद NaOH. ये रिएक्शन तो नहीं देखा है, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, लेकिन NaOH से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट तो नहीं बनाता. वेयर एज कैल्शियम क्लोराइड तो रिएक्ट करता ही नहीं है. तो इस स्टेप पे जाके ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, तो ऑटोमेटिकली जो आपका रह गया वो है एल्यूमिनियम. तो दिस ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. अब देखते हैं, एल्यूमिनियम बर्न्स एन ऑक्सीजन फॉर्मिंग Al2O3, रिएक्ट्स विद HCl प्रोड्यूसिंग Al3 पॉजिटिव आयंस, जो कि NaOH से और HCl जो कि NaOH से रिएक्ट करके बना देंगे Al2O3, जो कि एक्सेस NaOH से रिएक्ट करके बना देगा NaAlOH4, एक वो सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स आयन का. ये सॉलिड हो गया, ये आपका सोल्यूशन हो गया, ये आपका सॉलिड हो गया, ये आपका सॉलिड है. तो एल्यूमिनियम एक्चुअली फॉलोज दिस फ्लो डायग्राम टिल द एंड, एंड एवरी स्टेप रिटन इज करेक्ट. सो एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, एलिमेंट जेड हैज अ जायंट स्ट्रक्चर. ठीक है, एलिमेंट हैज अ जायंट स्ट्रक्चर, ओके. द क्लोराइड ऑफ जेड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव अ सॉल्यूशन विद अ पीएच लेस देन 5, यानी एसिडिक पीएच मिलेगा. व्हिच रो शोस टू एलिमेंट्स व्हिच कुड बी जेड? ओके, हैज अ जायंट स्ट्रक्चर. तो जायंट स्ट्रक्चर के हिसाब से एल्यूमिनियम का जो है वो मेटेलिक स्ट्रक्चर है, मैग्नीशियम का मेटेलिक है, तो ए इज नॉट द आंसर. एल्यूमिनियम का जो है वो मेटेलिक है, सिलिकन का मैक्रोमोलिकुलर है. एक मैक्रोमोलिकुलर इसमें एल्यूमिनियम का मेटेलिक है, बट इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डीलोकलाइज होते हैं, जायंट मेटेलिक हो सकता है. तो ऑप्शन बी कुड बी द आंसर. आगे देखते हैं, फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर सिंपल मॉलिकुलर है, इट्स नॉट अ जायंट स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम मेटेलिक है. ऑप्शन सी नहीं है. ऑप्शन डी में फिर फॉस्फोरस आ गया, तो ये नहीं हो सकता. और सिलिकन जो है वो मैक्रोमोलिकुलर. सो based on the process of elimination, option D is the correct option. Since silicon का जो है वो macromolecular structure है, और aluminium उसके अंदर क्योंकि 3 electrons होते हैं delocalized in the metallic bond, तो ये giant metallic कहलाएगा. Giant metallic, सही है? तो option B is the correct option. नेक्स्ट, एक्स वाई एंड जेड आर 3 एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड. एक्स रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव अ लिक्विड प्रोडक्ट. ओके, एक्स रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव अ लिक्विड प्रोडक्ट. तो क्लोरीन से रिएक्ट करके लिक्विड प्रोडक्ट जो देता है पीरियड 3 में वो होता है सिलिकन. SiCl4 इज अ लिक्विड एंड PCl3 इज ऑल्सो अ लिक्विड. Y reacts with chlorine to give a solid product that dissolves in water to give a solution of pH 7. Y reacts with chlorine to give a solid product that dissolves in water to give a pH 7. So Y ho gaya sodium, kyunki it is the only element jo ke pH 7 deta hai.
क्लोराइड उसका जब रिजॉल्व होता है, मैग्नीशियम का होगा तो 6.5 होगा, एल्यूमिनियम का होगा तो 3 होगा, और बाकी सबके pH 2 देंगे पीरियड 3 में. जेड रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव अ सॉलिड प्रोडक्ट दैट डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव अ सॉल्यूशन ऑफ pH 6. तो pH 6 जो है वो अभी मैंने जैसे रिकॉल किया था कि 6.5 के करीब जो है वो मैग्नीशियम देता है, तो जेड इज मैग्नीशियम. आप नोट करो ये जो कुछ ये बोल रहे हैं, ये टोटल 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 जो है वो रिकॉलिंग से आपका आंसर आ सकता है. अगर आपको याद नहीं है सही से ये सारी चीज़ें तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंच नहीं सकते हो. तो इस तरीके से हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया ये किन चीज़ों की बात कर रहे हैं. सो अब क्या पूछा है, विच एलिमेंट्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिलिकन एंड फॉस्फरस. फॉस्फरस इज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सिलिकन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट सिलिकन जो है वो एक मेटलॉइड है या सेमी कंडक्टर है, गुड कंडक्टर में नहीं आएगा. वेयर एज सोडियम और मैग्नीशियम जो है ये मेटल्स हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो बेस्ड ऑन देयर कंडक्टिविटी आई थिंक द करेक्ट आंसर शुड कंटेन वाई एंड जेड, सोडियम एंड मैग्नीशियम. और वाई एंड जेड इज द ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन.